इस वक्त मुराकश में और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट बना हुआ है रूफ टॉप पे, जिस तरह ऑब्वियसली TKR 4 है बेरिया टाउन में, तो मुराकश में ये है नोबू होटल की बिल्कुल रूफ टॉप पे उधर बना हुआ एक रेस्टोरेंट, और वहाँ मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ। आए गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आई एम गुड। तो यहाँ से आपको रिजर्वेशन करनी पड़ती है मेरे ख्याल में, ऐसा है? बिल्कुल ऐसी है। परसों जब हम आए थे तो रिजर्वेशन तो हमने नहीं किया था। नहीं नहीं, वो हम लास्ट मिनट आए थे, लेकिन अभी रिजर्वेशन है। थैंक यू। तो जैसे आप TKR 4 पे लेफ्ट के जरिए जाते हैं, तो सेनेटर साहब यहाँ मुराकश में भी एक बहुत फेमस है रेस्टोरेंट, तो ये भी लेफ्ट के जरिए आपने ऊपर जाना होगा। बिल्कुल यकीनन, और यहाँ का माहौल और TKR 4 का माहौल मिलता जुलते है, लेकिन यहाँ के हिसाब जो है ना थोड़े से वहाँ से मुख्तलिफ भी है। हाँ, लोग और कल्चर डिफरेंस है। बाकी डिजाइन की अगर आप बात करें तो वो हम आपको दिखाते हैं। शाम के वक्त आप आते हैं तो एक अलग सा माहौल होता है, दिन में अलग सा। तो जैसे ही आप ऊपर आते हैं और ये माहौल आप देख लें, यहाँ से आपको मराकश पूरी सिटी नज़र आती है, और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन किया हुआ है, वुडन डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा वुड उस पर यूज़ किया गया है। सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन एक बहुत ही तरीके के साथ सिटिंग अगर आप लोग देख लें, बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ। ये देखें, ये पूरा का पूरा एक गोल सर्कल इन्होंने बनाया है। जैसे आप ऊपर आते हैं तो इधर एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है, लेकिन स्विमिंग पूल आप नहा नहीं सकते, इट्स जस्ट अ डिज़ाइन। आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉफ़ी आप पी सकते हैं, शीशा कैफे भी है, और कॉन्टिनेंटल फूड, मुराकश फूड, वो सारे आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। बट लुक एट दिस डिज़ाइन। थोड़ी सी गर्मी है, जो पंखे हैं उस पंखों में थोड़ा सा पानी। अब ये डीजे है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? गुड। तो यहाँ से म्यूजिक कंट्रोल होता है, और जैसे आप नीचे आते हैं यहाँ पे इसकी एंट्रेंस है, यहाँ पे इनका बार है, और ये नीचे आप देख सकते हैं। सबसे कमाल बात ये जो इनका फेमस मुनारा है, जो मस्जिद है उसका मुनारा आपको नज़र आ रहा है उधर, और ये इनका किला है, और ये ग्रीनरी भी आप देख ले इस वक्त। तो अगर जब भी मराकेश आना हुआ तो ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे आप दोस्तों के साथ आके एंजॉय कर सकते हैं। सुकून बहुत है, और एक ट्रेडिशनल टच आपको मिलता है, जिस तरह पाकिस्तान में आप TKR आते हैं, पाकिस्तान के मशहूर दम पोख आप खाते हैं, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली जब आप आते हैं तो इनका ट्रेडिशनल फूड आपको मिलता है, और इसके साथ साथ यहाँ के लोकल लोग भी आपको मिलते हैं, जो बहुत वेलकमिंग है, बहुत वेलकम आपको करते हैं। जब आप बैठते हैं तो आपको पूरा का पूरा रेस्टोरेंट यहाँ से नजर आता है।